तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फायर आइस गेमिंग यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्री फायर के अंदर ऐसी कुछ पांच सीक्रेट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो कि गाइस आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को, मतलब 99% लोगों को नहीं पता होगा। एंड गाइस, अगर आपको पता भी होगा तो आप इसको फॉलो नहीं करते होंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड इन टिप्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आप हर एक फाइट को फ्री फायर के अंदर विन कर पाओगे, हर एक फाइट को, हर एक मैच को विन कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा नाम है प्रथम, आप लोग देख रहे हो फायर आइस गेमिंग यूट्यूब चैनल। चलिए को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर वन की ओर, जो कि है आपको ऑलवेज एनिमी के लेफ्ट साइड से रस करना चाहिए। ओके, मतलब एनिमी अगर ग्लोअल के पीछे है तो एनिमी हमेशा क्या करता है ना, राइट साइड से अपना टीपीपी लेके रखता है। सबसे पहले आप यहाँ पे फ्री फायर के जो फ्री फायर का मैकेनिज्म है, मतलब जिस तरह से इसको बनाया गया उसके बारे में समझो। गाइस, यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा है कि जो राइट साइड होता है ना, राइट साइड से आपको एम लेने के लिए थोड़ा सा प्लेस ज्यादा दिया गया, यानी कि जो हमारा कैरेक्टर है बिल्कुल ही मिडिल में नहीं रहता, जो हमारा कैरेक्टर है थोड़ा सा लेफ्ट की साइड में रहता है। एंड राइट साइड में आपको थोड़ा सा ज्यादा प्लेस मिला है जहां से आप टीपीपी लेके किसी भी एनिमी के ऊपर फायर कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है, मैं राइट साइड से सामने देखो इजीली किसी भी एनिमी को मार के इजीली कवर में आ सकता हूं। ठीक है, हमें बहुत ही कम कवर से बाहर निकलना पड़ रहा है। बट अगर हम लेफ्ट साइड से मारने के लिए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां पे हमको बहुत ज्यादा बाहर निकलना पड़ रहा है। ठीक है, तो गाइस इसीलिए ऑलवेज कोई भी प्लेयर होता है फ्री फायर का, वो हमेशा राइट साइड ही खड़ा रहता है ग्लोअल के। तो आप जब भी किसी एनिमी पे रस कर रहे हो ग्लोअल लगा के या फिर वो ग्लोअल के पीछे है, तो वो हमेशा राइट साइड पे ही होगा, तो आपको ऑलवेज लेफ्ट से ही रस करना, उसके लेफ्ट से ही रस करना है। ठीक है, जिससे कि होगा कि वो अपना राइट में खड़ा है, उसको पता भी नहीं लगेगा, आप पीछे से उसको मार दोगे, या फिर अगर उसको पता भी लग गया तो भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो गाइज ये बात आती है। एंड अगर आप राइट से रस करते तो क्या होगा ना गाइज, वो आराम से टीपीपी लेके खड़ा है एंड वो इजिली आपको हेडशॉट मार देगा। अगर वो शॉटगन, MP40 कुछ भी लेके होगा, वो इजिली आपको हेडशॉट मार देगा। ठीक है, आई होप कि आपको मैंने जो समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज, अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स को भर दो कि हाँ आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो गाइज अब चलते हैं हमारे टिप नंबर टू की ओर, जो कि है लैंडमाइन टिप्स। ठीक है, तो गाइज अब आपको लैंडमाइन को लगाना है कुछ इस प्रकार से। लैंडमाइन आप कभी भी लगाते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो नीचे एक बंदा है, ठीक है, और नीचे बंदा है तो अब हमको लगाना यहाँ पे लैंडमाइन। बट अगर हम लैंडमाइन लगाएंगे तो क्या होता है, लैंडमाइन लगाने से उसके पास एक साउंड जाता है जिससे कि उसको पता चल जाएगा कि यहाँ लैंडमाइन है और वो जंप करके या फिर वो सावधानी से आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया लैंडमाइन एंड अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फायरिंग करूंगा। फायरिंग से होगा कुछ ऐसा कि लैंडमाइन का जो साउंड है ना वो एनिमी तक नहीं जाएगा, मेरे गन का साउंड जाएगा एनिमी तक, एनिमी को पता चल जाएगा कि ऊपर बंदा है बट लैंडमाइन का साउंड नहीं जाएगा एंड वो सीधे रस करने आ जाएगा, इजीली लैंडमाइन से फट के मर जाएगा। ओके, यहाँ पे गाइस दूसरे क्लिप में देख सकते हो, सिंपली ऊपर बंदा है, इसके लैंडमाइन को मैंने फोड़ दिया एंड अब जाके मैं लैंडमाइन लगाऊंगा एंड मैं यहाँ पे फायरिंग करता रह जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं फायरिंग करूंगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने लैंडमाइन लगाया। अगर वो दौड़ के मेरे ऊपर रस करने आएगा तो वो आराम से लैंडमाइन से मर जाएगा। तो गाइस बस ये ट्रिक को आपको ऑलवेज यूज करना है जिससे कि एनिमी को पता ना चले कि जो नीचे बंदा या फिर जो घर के ऊपर बंदा है उसने लैंडमाइन लगाया एंड वो आपके ऊपर रस मारेगा एंड लैंडमाइन से इजीली फट के मर जाएगा। ओके गाइस, तो गाइस चलिए चलते हमारे टिप नंबर थ्री की ओर, जो कि है साइलेंट अटैक। जी हां गाइस, साइलेंटली आपको अटैक करना है किसी भी एनिमी के ऊपर। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए, यहाँ पे देखो क्या होता है, हम जिपलाइन से आते हैं एंड सामने की ओर एक बंदा आता है। ठीक है, तो इसको हमने कुछ डैमेज दिया एंड इसने लगाया ग्लोअल। अब गाइस अब बस देखते जाओ होता क्या है। ठीक है, वो बंदा भाग गया पीछे की ओर, तो अब मैंने क्या किया, मैं चल गया उसके ग्लोअल के पीछे। कि अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ, गाइस इसके ग्लोअल के पीछे हम आ चुके हैं एंड गाइस वो जो बंदा है ना वो धीरे धीरे दौड़ दौड़ के उधर से उधर, उधर से उधर जा रहा है। ठीक है, वो बंदा जब तक खुले में ना आ जाए तब तक हम यहाँ से निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, बंदे को अपना पोजिशन का पता ही नहीं चलते, बंदे को क्या लग रहा है मैं पेड़ के पीछे हूँ या फिर वो सोच रहा है कि मैं भाग गया हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत देर से मैं यहाँ से निकले ही नहीं, तो गाइस हम तब तक नहीं निकलेंगे जब तक वो बंदा खुले में ना आए। और वो बंदा देखो खुले में आ भी गया, इजीली उसको मार दे। तो गाइस इसे कहते हैं साइलेंट अटैक। आप एक और क्लिप में यहाँ पे देख सकते हो गाइस वो क्या रहा है, यहाँ पे हम बिल्कुल खड़े हैं। ठीक है, बंदा निकला, उसको हमने डैमेज नहीं दिया, कुछ नहीं किया, जैसे ही हमको लगा कि बंदे को अब हम पूरा मार सकते या फिर हम बंदे को हेडशॉट मार सकते तभी मैं निकल के मारूंगा। बिकॉज इससे होगा क्या, बंदा भाग नहीं पाएगा या फिर कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो कवर भी नहीं ले पाएगा, भाग भी नहीं पाएगा। देख सकते हो इजीली इसको हमने मार दिया।
अब गाइज एक और क्लिप में आप देख सकते हो, ठीक है, इस क्लिप को अच्छे से समझो होता क्या है। नीचे बंदा है, ठीक है, हमने नेड किया, अब नेड वेड कर लिया, कुछ नहीं हुआ। अब गाइज थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे सब कुछ हमने करके देखा, कुछ हुआ नहीं। यहाँ से आ गया मैं पीछे की ओर, ठीक है, पीछे से आया एंड अपने आप को हाइड कर लिया, जैसे कि बंदा मतलब बंदे को लगे कि मैं भाग गया हूँ, ठीक है। अब देखो बंदा आराम से आया दौड़ दौड़ के, जैसे ही वो खुले में आया मतलब वहाँ से अब वो कोई कवर नहीं ले सकता, हम उसको इजीली साइलेंटली मार देंगे, ठीक है। मतलब साइलेंट रहना हमको स्टार्टिंग में एंड बाद में, हमको जैसे ही वो खुले में आए तब हमको निकल के मारना। अब देखो वो कहीं भाग भाग नहीं सकता ग्लूवेल के पीछे, ये इजीली हमने नेड करके उसको मार दिया। सो गाइज ये था हमारा टिप नंबर 3, आपको हमेशा साइलेंट रह के फायर करना है, आपको मतलब अपने जो पोजिशन है उसको रिवील नहीं करना है, एंड जैसे ही आपको लगे कि इस बंदे को हम पूरा मार सकते तो आपको निकल के इजीली मार देना। ओके चलते हमारे टिप नंबर 4 की ओर, जो कि है रिवाइव। अब गाइस रिवाइव में आप लोग क्या गलती करते हो पहले ये देखो, ठीक है, इस क्लिप को पहले अच्छे से समझो गाइस, ठीक है, समझो। तो यहां पे हो रहा है कुछ ऐसा कि मैं और राणा खेल रहे क्लैश स्क्वाड का कस्टम, ठीक है, इसको देखो हम मैं मार रहा हूं एंड मेरे को कर दिया नॉक। अब राणा के पास पूरा टाइम है कि वो मेरे को रिवाइव दे सकता है, ठीक है, ग्लूवेल के कवर में है वो, एक ग्लूवेल फेंकता मैं रिवाइव हो जाता, बट वो बनने गया यहां पे हीरो, मतलब वो सोच रहा है कि वो इजीली एनिमी को मार देगा, बट ऐसा नहीं होता भाई। देखो एनिमी ने उसको मार दिया, पूरा का पूरा मैच खत्म हो गया। अगर ये इस टाइम पे मेरे को रिवाइव देता तो होता कुछ ऐसा कि हम लोग हो जाते दो बंदे, एंड दो बंदों में से अगर एनिमी फिर से किसी एक को नॉक कर देता तो हमारा दूसरा टीममेट एनिमी को मार देता, बट नहीं, ये सोचा कि एनिमी बहुत ज़्यादा डैमेज है और उसको मारने चला गया, बट ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। एनिमी चाहे कितना भी ज़्यादा डैमेज क्यों ना हो, आपको सबसे पहले अपने टीममेट को रिवाइव देना है। अब गाइस इस क्लिप में आप देखो होता क्या है, यहाँ पे देखो ये जो बंदा है, मतलब हमने ग्लूवेल फोड़ा एंड इसको मारा, ठीक है, अब एनिमी ने मेरे टीममेट को कर दिया है नॉक। अब नॉक करने के बाद हुआ कुछ ऐसा कि एनिमी मेरे मुंह पे, मैं चाहूँ तो एनिमी को मार सकता हूँ बट नहीं, मैंने यहाँ पे 360 घेरा, अपने टीममेट को रिवाइव दिया, अब मैं एनिमी को मारूंगा, जिससे कि होगा क्या, हमारे पास मतलब दो गन हो जाएंगे, हम लोग दो बंदे मिल के मारेंगे एनिमी को, और अगर एक बंदा गलती से नॉक हो जाए तो दूसरा बंदा एनिमी को मार सकता है, ठीक है। तो रिवाइव आपको सबसे पहले देना है, रिवाइव में लेट नहीं करना है, ठीक है। आप अगर अपने आप को हीरो समझते हो कि नहीं मैं अकेले ही एनिमी को मार दूंगा, तो ज्यादातर केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि एनिमी आपको तुक्के में हेडशॉट मार दे एंड आपका पूरा मैच ही खत्म कर दे, पूरा गेम ही खत्म कर दे, ठीक है। तो गाइस अब चलते हैं हमारे टिप नंबर 5 की ओर। तो टिप नंबर 5 है कुछ ऐसा जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो, जल्दी से कर दो यार, लेट मत करो, ठीक है। तो अब चलते हैं गाइस हमारे टिप नंबर 5 की ओर। यहाँ पे मेरे पास है क्रॉसबो, ठीक है, एंड क्रॉसबो से मैंने एनिमी को दिया बहुत ही ज्यादा डैमेज, आप देख सकते हो मैं क्रॉसबो चलाए जा रहा हूँ एंड 50-50 करके डैमेज पड़े जा रहे हैं एनिमी को, ठीक है। अब एनिमी आ चुका है नीचे, मेरे को मोको की मदद से पता चल गया। अब गाइस देखना होता क्या है, मैं उसके ऊपर रस मारूंगा बिकॉज एनिमी बहुत ही ज्यादा डैमेज है, ठीक है। तो रस मारा मैंने एंड यहाँ पे मैंने शॉटगन से मारा, उसने ग्लूवेल लगा दिया। अब गाइस देखो होता क्या है, फ्लैशबैंग लिया मैंने हाथ में, ठीक है, एंड फ्लैशबैंग फेंक दिया। अब गाइस यहाँ पे आप सीन देख के भाई आप हंसने लग जाओगे, एनिमी हो गया है अंधा भाई, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि फ्लैशबैंग का कमाल है भाई ये। तो गाइस इस दिन से मेरे को पता चला कि फ्लैशबैंग एंड ग्रेनेड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेम के अंदर, ठीक है। कितने मस्ती मस्ती में ही मैंने इस एनिमी को मार के भुइया ले लिया। तो गाइस कभी भी फ्लैशबैंग और ग्रेनेड को फेंकना मत। ये देखो यहाँ पे ग्रेनेड से एक और बंदे को मार दिया, ये देखो यहाँ पे ग्रेनेड से एक और बंदे को मार दिया। तो भाई ग्रेनेड बहुत ही ज्यादा यूज आ रहा है मेरे, मतलब दिन में मैं अगर 20 किल करता हूँ तो 20 में से 2 किल मैं ग्रेनेड से ही कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज गाइस ग्रेनेड का अच्छे से यूज करो, टाइमर लगा के यूज करो ताकि आप एनिमी को इजीली मार पाओ। तो गाइस बस यही थे आज के हमारे कुछ टिप्स जो कि आई होप आपको पसंद आए होंगे। गाइस अगर आपको पसंद आए तो यार इस वीडियो पे 40K लाइक कंप्लीट कर दो यार, हमेशा का हमारा टारगेट रहता है 40K लाइक्स, तो यार हर वीडियो में कर दो यार, दिल को अलग ही खुशी मिलती है। एंड गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, इससे पहले आपने हमारा चैनल नहीं देखा, या फिर अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हो बट आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार क्या कर रहे हो मेरे को बताओ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे में जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो गाइस, ठीक है। एंड बस आज के लिए इतना ही, अब गाइस मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।